राजनांदगांव में एक युवक ने अपनी पत्नी की टंगियों से वार कर हत्या कर दी। आरोपी ने महिला के सिर और गाल पर टंगिया से चार बार वार किया। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े जाने के बाद आरोपी ने कहा कि पत्नी का चरित्र ठीक नहीं था, समझाता था तो रोज झगड़ा करती थी। मामला दुमका थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 6 बजे पुलिस को सूचना मिली कि दुर्ग जिले के सरहदी गांव डुड़िया में रहने वाले रिखीराम साहू ने अपनी पत्नी चमेली साहू पर टंगिया से हमला कर दिया है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो चमेली वहां लहूलुहान हालत में पड़ी थी। इस पर पुलिस उसे अपने गाड़ी से अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन उसके गेट के सामने ही महिला ने दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति रिखीराम साहू को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में उसने अपनी पत्नी की हत्या करने की बात स्वीकार ली है। बताया जा रहा है कि उसे अपने पत्नी के चरित्र पर संदेह था। इसको लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद भी होता था, देर रात भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद से ही वह गुस्से में था और सुबह टंगिया से उस पर हमला कर दिया था। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।